करो करो ऊपर ऊपर ले जाओ, आराम बचा के भाई। अरे रुकिए, आराम से करो भैया, जल्दी करो जल्दी। अरे बेटा भारी सामान है, टाइम लगता है, रुको ना। अरे पापा आप समझते नहीं हो। अरे पर बेटा हुआ क्या? अरे मम्मी वो जिसका डर था वही हुआ। क्या हुआ आंटी जी? कुछ नहीं बेटा, वो ना मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। क्या बात है बहन जी, नया नया फर्नीचर आ रहा है घर में और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दी। आंटी जी ये ना हमारा पर्सनल घर है, आपकी तरह हम गली में नहीं रहते जो सबको सब कुछ बताते रहे। बहन जी संभाल लो, बड़ी जबान चलने लगी आपकी छुटकी की। चलो मैं ऊपर देख के आता हूँ सामान सही से पहुँचा या नहीं पहुँचा। अरे कहाँ जा रहे हैं आप, रुकिए ना। अरे नहीं नहीं आप जाइए ऊपर देख के आइए। हाँ अच्छा बताओ ना बहन जी, कब लिया, कहाँ से लिया और कितने का पड़ा? क्या अरे ये सोफा और क्या? अरे बहन जी आ जाओ, बता दो सोफा कहाँ सेट करना है। आ रहे भैया एक मिनट रुकना। आंटी जी इधर आना। अरे आओ ना। अरे क्या कर रही है? ये ना काला नजर का टीका है, अपने सोफे को लगा दूंगी, अपने नजर जो लगा दी होगी। शिल्पी के घर हो आई, राज के घर हो आई, और कौन बचा है जिसका 10वीं का रिजल्ट आया हो आज? अरे उस चीतू का भी तो रिजल्ट आया होगा, वो भी तो 10वीं क्लास में ही है, कैसे भूल गई उसे? चल उसके घर चलते हैं। पास तो हो जाऊंगी ना? हाँ हो जाओगी। रोल नंबर तो डालो। अरे आंटी जी वो सब छोड़ो, आप ना लड्डू खाओ, मैं पास हो गई हूँ। पास तो बिना पढ़े लिखे बच्चे भी हो ही जाते हैं, तुम परसेंटेज बताओ। पूरे 68% आए मेरी बेटी के। हो बस 68% आए हैं, शिल्पी के घर से आ रही हूँ मैं अभी, पूरे 80% आए हैं उसके। चलो कोई बात नहीं, बेचारी पास तो हो ही गई ना। सुनो एक काम करते हैं, जीतू का ट्यूशन ना आप मेरी बेटी के साथ लगा लो, साथ में छोड़ने भी चले जाया करेंगे। आंटी आपकी तो खुद की बेटी के 55% आए हैं। जीतू बेटा जाओ आंटी के लिए पानी लेके आओ। आंटी जी पानी लाऊं? थोड़ा सा जहर मिला के। गरम लोगी या ठंडा बताओ ना। अरे पानी कहाँ चली गई? पी लेती पानी। चश्मा देखो अच्छे से, यहाँ भी करो यहाँ झूठ रहे। जीतू की मम्मी, ओ जीतू की मम्मी, काम वाली आई है क्या? अरे दीदी मेरे छुपा दो कहीं, मेरे दिमाग खाती है दीदी सब। ठीक है कोई नहीं, तुम छुप जाओ मैं देख लूंगी, जाओ। चलो मैं निकल रहा हूँ। ठीक है टिफिन लेके जाना, स्लैब पे रखा है। हाँ जी बहन जी कुछ काम था? बहन जी क्या हुआ? मैं क्यों आई थी यहाँ पे? वो तो आप बताएंगी ना कि आप क्यों आई थी। अच्छा हाँ याद आया, अरे बहन जी वो काम वाली आई है क्या? सुषमा वो तो नहीं आई। कौन सुषमा? काम वाली आई है क्या? सुषमा उसका नाम है।
हाँ जो भी है, उसने ना मेरी नाक में दम कर रखा है। जब देखो तब छुट्टी ले लेती है, रोज सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, तो मैं उसे पैसे क्यों दे रही हूँ? देखना इस बार उसे एक फूटी गोली दूंगी मैं। और हाँ, आपने उसे सर पे बिठा रखा है, हमेशा पैसे दे देती हूँ टाइम पे। पैसे दे तो दिया करिए, फिर तो काटने की बात करिए। वैसे दिन भर रोती रहती है बेचारी कि पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए। बहन जी, आप ना एक काम करो, अपनी बेटी की ना शादी करा दो। वैसे भी उम्र तो हो ही गई है ना उसकी, आप पे भी उसका असर आता जा रहा है, मुंह चल रहा है बहुत ज्यादा। आंटी जी, वो मेरे जैसी नहीं, मैं उनके जैसी हूँ, तो जो सब सीखा है ना मैंने उन्हीं से सीखा है, तो ज्ञान फैलना बंद करो। ये मेरे आगे ना अपनी कार का बड़ा शो ऑफ करते हैं। अब बताते हैं। जीतू, जीतू। हाँ जी आंटी जी, बोलिए, नीचे आइए तब बताती हूँ। क्या क्या है? तुम्हारी ये गाड़ी पूरा रास्ता घेर लिया इसने, बताओ निकलू कहाँ से मैं? आंटी ने तुझे बहुत यूज कर लिया, इसलिए तो उनका दिमाग नहीं चल रहा ना। अब मेरे घुटनों से क्या बात कर रही है, मुझसे कर। घुटनों से ही तो बात करूंगी ना आंटी, आपका दिमाग तो वही है ना। क्या हुआ बहन जी? ये देखो बहन जी, मेरे घर के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हो। अब एक बात सोचो, नहीं सोचो, ध्यान लगा के सोचो, अगर मेरी अपनी गाड़ी होती तो मैं कहाँ खड़ी करती उसे? रोज लाके यहीं पे खड़ा कर देते हो। अरे बहन जी कोई बात नहीं, मैं इनसे बोल के हटवा देती हूँ अभी। अजी सुनते हैं। अजी क्या हो गया बताइए। पापा जी, वो आंटी कह रही है ना कि गाड़ी हमने उनके घर के सामने लगा दी है और निकलने का रास्ता नहीं है। अरे इतना तो रास्ता है, निकल जाओ ना। अरे नहीं नहीं, मैं क्या बोल रही थी ना कि आपने गाड़ी इतनी दूर पार्क कर रखी है, ये देखो बिल्कुल रोड से ना मिली हुई है। अगली बार से ना मेरे घर के थोड़ा सा पास खड़ी करना, वो मैं थोड़ा सा उसका ख्याल रख सकती हूँ ना, देखभाल कर लूंगी कि कहीं कोई हाथ वात ना लगाए, है ना? पापा जी, आंटी तो ये भी बोल रही थी कि उन्होंने स्पेशली हम तीनों के लिए स्पेशली चाय और पकौड़े बनाए हैं, तो चलो ना चलते हैं। चले आंटी। मैं बोल रही थी। वेलकम वेलकम जी। लगता है जीतू के घर पे कुछ तो मजेदार बन रहा है, चलती हूँ। वाओ कितना टेस्टी दिख रहा है ये। तुझे पता है ये बहुत स्पाइसी होता है। आहा, उससे भी ज्यादा स्पाइसी। चल चल, राहुल आने ही वाला होगा, साथ में नेटफ्लिक्स एंड चिल करेंगे। ले टेस्ट करके बता कैसा है। आ गया लगता है। अरे वाह, कुछ तो नई डिश बन रही है, मेरे घर तो खुशबू आ रही थी। लाला मेरे लिए भी ले आ। जी आंटी जी। आंटी जी, मैंने ना आपके लिए कुछ स्पेशली बनवाया है। है? जल्दी से ले आ, बहुत तेज भूख लगी आज तो। ये लो आंटी, स्कैन कर दो। हमारे घर में राशन तो फ्री का आता नहीं है,
और मोहल्ले वालों को खिलाना है तो पैसे तो लगेंगे ना। शर्म नहीं आती बड़ों से पैसे मांगते हुए? वो तो शुक्र मनाओ सिर्फ अभी के पैसे मांगे हैं, पिछले 10 सालों के मांगे होते ना तो आपको तो घर बिक जाता आंटी। नहीं खाना मुझे। अरे खा तो लो आंटी जी, कहाँ जा रही हो, स्पेशली बनवाया था। राम सिया राम सिया, लगता है बाहर कोई लड़की किसी लड़के के साथ जा रही है। हाँ मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। अच्छा चलो बाय, कल क्लास में मिलते हैं। बाय। क्या बात है, आजकल लड़कों का बड़ा आना जाना हो रहा है घर में। आंटी जी मुझे तो लगा आप ही के घर में है सिर्फ। क्या मतलब? मतलब ये कि जब मैं आ रही थी ना आंटी, तो आपकी बेटी किसी लड़के के साथ छत पे खड़ी थी। मेरी बेटी ना तेरे जैसी बदतमीज नहीं है। हाँ आंटी जी, मैं और आपकी बेटी तो नहीं, पर आप जरूर बदतमीज हो। नॉटी आंटी जी। मम्मी थोड़ा और नीचे करवाओ ना। अच्छा चलिए 1 इंच और नीचे कर दीजिए। अच्छा ठीक है इतना। हाँ हाँ कर दो 1 इंच और डीप, तभी तो लड़के पीछे घूमेंगे ना। आंटी मेरी तो उम्र है लड़के घुमाने वाली, आप क्यों जल फूक के राख हो रही हो। जीतू ये क्या तरीका हुआ बात करने का, आप क्या आंख दिखा रही हो बहन जी। अब तो लड़की हाथ से निकल गई। आंटी मैं तो हाथ से ही निकली हूँ, आप तो दिल से निकल गई हो। मुझे क्या, करवा लो डीप, इतना 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 इतना, पहनो ही मत मेरी बला से तो। अरे कहाँ जा रही हो, मेरा सूट तो सिलवा दो। आप करिए। अरे बुआ जी आप चीकू को लेके नहीं आई? अरे बेटा उसके पेपर खत्म हुए थे ना, तो वो आजकल चल रहा है ना पहाड़ों में घूमने का रिवाज, तो वो पहाड़ों पर घूमने गए अपने दोस्तों के साथ, तो मैंने कहा मैं घर पे क्या करूंगी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। बिल्कुल ठीक किया आपने। वाह वाह आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं। आओ आओ आंटी आप ही की कमी थी। मतलब? मतलब ये कि आपके बिना हमारी फैमिली कंप्लीट कैसे हो सकती है आंटी। कोई नहीं आप चाय पी के ही जाएगा। जी तो बेटा जाओ 3 कप चाय बना के लाओ। अरे नहीं नहीं जी तो तू मत जा, तुझे तो पीरियड्स आ रहे होंगे ना, जाके चाय बनाएगी उसको भी अशुद्ध कर देगी। नहीं नहीं मुझे नहीं पीनी इसकी हाथ की चाय। डोंट वरी आंटी जी, चाय मैं हाथ से ही बनाऊंगी, कहीं और से नहीं जो अशुद्ध हो जाएगी। अरे बहन जी आपको कैसे पता कि जीतू के पीरियड्स चल रहे हैं, आप तो पड़ोसी हो ना। दीदी ये तो फिर भी पीरियड्स हैं, इनको तो ये भी पता है कि जीतू दिन में कितनी बार पॉटी जाती है और कितनी करती है। बॉटल से मेरे शर्मा जी पानी पी के गए हैं, मैं भी इसी से पी लेती हूँ। ये बोतल तो ठंडी हो ही गई है, अब इनको बाहर रख देती हूँ और अपनी लगा देती हूँ अंदर, अच्छे से ठंडी हो जाएंगी। ये लो जी हो गया। तो मेरा ही घर है। आंटी आप हमारे फ्रिज में क्या कर रही हो? वो ना हमारा फ्रिज खराब हो गया है, अब तुम ही देख लो अभी तो अप्रैल का ही महीना और कितनी गर्मी हो गई है। तो मैं ना अपनी बॉटल रखने के लिए आई थी, तो आप हमारे बॉटल्स निकाल के अपने बॉटल्स भर रही हो। हाँ तो क्या हो गया, 2 ही घंटे की तो बात है, अब बताओ। पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आते है ना।
काम तो बस हम आपके आते हैं, आप तो हमारे किसी काम की नहीं हो। गलत बात जीतू बेटा, आंटी को सॉरी बोलो, और मैंने ही बोला था आंटी को पानी भरने के लिए। सो सॉरी आंटी जी, देख के ना बुरा लगा, कल अंकल जी वर्मा आंटी को सूट दिला रहे थे सेक्टर 18 की मार्केट में, अब उन्हीं पैसों में फ्रिज ठीक करवा लेते तो क्या ही बात थी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये टॉक्सिक आंटी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, ये भी बता देना कि आपकी मम्मी पापा आपको टॉक्सिक आंटी से बचाते हैं नहीं बचाते हैं। वी होप कि आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट मिली होगी, तो वीडियो को ढेर सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सबके साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।